नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों 12th क्लास के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में 5 प्रमेयों के बारे में बात कर चुके हैं और पार्ट 2 में अब आगे प्रमेयों के बारे में बात करेंगे। देखो, जैसे प्रमेय नंबर 6 में दो पार्ट है। पहला क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ये प्रमेय लिखी हुई है, बस चिन्हों का फर्क है। आगे बच्चों मैं आपको ये प्रमेय प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेट तो साइन इनवर्स एक्स को मानना है हमें ए और साइन इनवर्स y को मानना है हमें b। ठीक है, अब इसके आगे देखो तो ये इनवर्सल उधर जाकर कैसा हो जाएगा, उधर जाकर बन जाएगा ये साइन a और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा साइन b। ठीक है, क्योंकि हमने 11वीं क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं साइन a प्लस b का। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b प्लस का कोस a इंटू में साइन बी। ठीक है, हमारे पास बच्चों वैल्यू जो है साइन ए का मान दिया हुआ है एक्स और साइन बी का मान है हमारे पास वाई, परंतु हमें कोस बी का साइन कोस ए का मान नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला जानते हैं जो हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर होंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट, तो रूट बनेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पे हमें कोस दिख रहा है उसमें साइन बदल दूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें साइन के मान पता है, अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी प्लस का, तो यहाँ क्या जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए और इनटू में साइन बी। ठीक है, आगे देखो बच्चों ध्यान से वैल्यू पुट करो, साइन ए का मान क्या है हमारे पास एक्स है 1 माइनस, साइन बी का मान क्या हमारे पास वाई है, तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस का साइन ए का मान क्या हमारे पास एक्स है और इनटू में इसका मान क्या हमारे पास वाई है। तो आगे देखो ये वैल्यू जो आगे निकल के हमारी साइन ए प्लस बी, ये साइन इधर जाकर क्या बन जाएगा इनवर्स, तो ए प्लस बी बराबर ये आ जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे बच्चों साइन ए किसके बराबर है, साइन ए बराबर है किसके, साइन इनवर्स एक्स के। तो साइन ए की जगह मैं क्या रख दूं, साइन इनवर्स एक्स और बी की जगह क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके सामने पहली जो प्रमेय है वो प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, ये प्रमेय नंबर फर्स्ट जो है प्रूफ होगी। अगर देखो प्रमेय सात की भी दो पार्ट है, तो मैं आपको पहला पार्ट प्रूफ करके दिखाता हूं। लेट कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू ए और कोस इनवर्स वाई इजिकल टू बी, ये इनवर्स उधर जा क्या बन जाएगा कोस ए और ये वाई बराबर क्या आ जाएगा यहां पर कोस बी। तो बच्चों कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए इंटू में कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर मैं साइन का मान निकालूंगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर क्या बन जाएगा रूट, अपोजिट साइड जाकर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, देखो तो ये क्या आ गया कोस ए इंटू में कोस बी, ठीक माइनस का 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि तो पता है बच्चों यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखे कोस का और कोस कोस ए कोस बी का मान दे रखे, ना कि साइन ए साइन बी के, तो इन्हें भी काम कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें 1 माइनस का कोस स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा बी आएगा। अब देखो आगे कोस ए का मान क्या है एक्स है इंटू वाई इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, सॉरी यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, 1 माइनस का वाई का स्क्वायर। तो ये किसका मान आ रहा है कोस ए प्लस बी का।
तो अब देखो ये कोस है, दर्जा क्या बन जाएगा इनवर्स, तो ए प्लस बी बराबर कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस का वन माइनस का एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम ए और बी के मान रख देंगे, क्या कर देंगे ए और बी के मान रखने पर, तो रखो कितना जाएगा यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि ए किसके बराबर है कोस इनवर्स एक्स के और बी बी है तुम्हारा कोस इनवर्स वाई के, तो कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई इज माइनस के अंडर रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस का वाई का स्क्वायर। ये हमने कर दी है प्रूफ प्रमे, ठीक है। आगे प्रमेय आठ, इसके बच्चे दो पार्ट हैं, ये टेन के पदों में है। ठीक है, मैं आपको पहला पार्ट प्रूफ करके दिखाता हूं। लेट तो टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू ए और टेन इनवर्स वाई इजिकल टू बी। ठीक है, ये इनवर्स अपोजिट साइड जाके क्या बन जाएगा टेन, और ये अपोजिट साइड बन जाएगा टेन बी। ठीक है, आगे देखो हमने दोनों वैल्यू निकाल ली, क्योंकि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेन ए प्लस के टेन बी बटे वन माइनस का टेन ए और टेन बी। तो आपके पास टेन ए टेन बी का मान है, वैल्यू पुट करो, टेन ए का मान क्या है एक्स है। ठीक है, टेन ए का मान एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस का एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ क्या आएगा टेन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर ये टेन है उधर जाए क्या बन जाएगा इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस का एक्स इंटू वाई। तो अब क्या करेंगे ए व बी के मान रखने पर, तो ए का मान किसके बराबर है, ए का मान है तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स के, तो यहाँ क्या जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस का एक्स इंटू वाई। ये आपके सामने मैंने पहली प्रमेय जो है इसकी प्रूफ कर दी है। ठीक है, और आप इसी प्रकार प्रमेय टू को प्रूफ कर सकते हैं। बच्चों प्रमेय नंबर 9, इसमें बच्चों तीन पार्ट है। ठीक है, देखो पहला पार्ट क्या टू साइन इनवर्स, आप कहते हैं तीन पार्ट लिख रहे हैं, मैं इन्हें प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। तो पहला पार्ट लेट साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू ए मान लिया मैंने, तो एक्स बराबर कितना जाएगा साइन ए, चूंकि साइन टू ए बराबर टू साइन ए और कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन का मान पता कोस का नहीं पता, तो क्या लिख दोगे इसकी जगह टू साइन ए अंडर रूट में वन माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कैसा है देखो, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा बराबर स्क्वायर बन जाएगा, जाकर रूट बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर तो क्या आएगा वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो, टू साइन ए का मान कितना हमारे पास एक्स है अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर चल रहा हमारा साइन टू ए, ये साइन उधर क्या बन जाएगा इनवर्स, तो टू ए बराबर साइन इनवर्स टू एक्स इंटू में अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए का मान किसके बराबर है, यहाँ मान लेते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमने आपके सामने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया। ठीक है, पहले प्रमेय क्या हो चुकी है प्रूफ। आगे देखते हैं प्रमेय नंबर 2, वो है टू कोस सॉरी लेट कर लो यहाँ पर भी। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू ए, तो यहाँ क्या जाएगा एक्स बराबर कोस ए, ये क्वेश्चन फर्स्ट, तो यहाँ पे जो है चूंकि
कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। ठीक है, तो हमें इसका मान तो पता ही है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा को, इधर देखो कोस a का मान क्या हमारे पास x है, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ क्या है कोस 2a, तो 2a बराबर आ जाएगा यहाँ पर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। देखो समीकरण फर्स्ट से, चूंकि बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a किसके बराबर है कोस इनवर्स x के, तो क्या आ जाएगा 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। ये आपके सामने जो प्रमेय नंबर इसका दूसरा पार्ट ही प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं थर्ड, थर्ड को क्या करेंगे, लेट इसमें जो है tan इनवर्स x को मान लो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू मान लिया मैंने a है। ठीक है, तो यहाँ x बराबर कितना जाएगा tan a, क्योंकि tan 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 tan a बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, अब 2 tan a किसके बराबर है x के, और 1 माइनस का x स्क्वायर, यहाँ अगर tan 2a, ये tan हो जाएगा क्या बन जाएगा इनवर्स, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर, तो एक यहाँ पर कर देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 a का मान किसके बराबर है tan इनवर्स x के, मतलब समीकरण फर्स्ट का वैल्यू रख दो, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन जो है आपके थर्ड भी ये प्रूफ कर दिए। ठीक है, जो थर्ड फॉर्मूला था tan इनवर्स वाला, ये भी हमने क्या कर दिया है प्रूफ। दो पार्ट है, देखो पहला पार्ट, लेट माना कि tan इनवर्स x को क्या मान लोगे आप, tan इनवर्स x को माना a, ये समीकरण होगी फर्स्ट। ठीक है, तो इनवर्स उधर जाकर क्या बन जाएगा tan a। तो अब आगे बच्चे देखो, चूंकि हम जानते हैं tan 2a का फॉर्मूला किसके पदों में, देखो सॉरी sin 2a का फॉर्मूला खोलो, sin 2a का फॉर्मूला खोलो tan के पदों में, क्या होएगा 2 tan a बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर a। ठीक है, तो अब आगे ध्यान दो बात, देखो बच्चों tan a किसके बराबर है x के बराबर, तो पुट करो उसके अंदर मान कितना जाएगा यहाँ पर, sin 2a इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर, ये साइन उधर जाएगा क्या बन जाएगा इनवर्स, तो 2a बराबर कितना जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका a किसके बराबर है, a देखो a है tan इनवर्स x के, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। ये हमने आपके सामने पहले प्रमेय का ये फॉर्मूला सिद्ध कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो उसका सेकंड पार्ट, लेट tan इनवर्स x को a मान लिया मैंने। ठीक है, ये बनेगी समीकरण फर्स्ट, तो आपको यहाँ पे जो है ये इनवर्स उधर जाकर क्या बन जाएगा tan a, क्योंकि cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला tan के पदों में 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ ये स्क्वायर उधर, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पहले देखो cos 2a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे tan x के बराबर x के बराबर रखो, तो यहाँ क्या जाएगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर, ये cos उधर क्या बन जाएगा इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर बटे 1 प्लस का x स्क्वायर, तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो 2, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका, ध्यान दो a किसके बराबर, समीकरण फर्स्ट में जो है a है tan इनवर्स x के बराबर, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर बटे 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपके सामने दूसरे प्रमेय का फॉर्मूला प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट था,
बच्चों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर।